Hello everyone. It is a pleasure to welcome a visionary entrepreneur who has not only transformed the way we consume information, but has also been a driving force behind the evolution of media in the digital age. Our next guest is the CEO and co-founder of InShorts, a trailblazer in the realm of short-form content delivery. With a keen eye for tech-driven innovation and a commitment to redefining the narrative, he has paved the way for a new era in media consumption. Please join me in extending a warm welcome to the ever so inspiring Azhar. Well, thank you, sir. Apne is so me bulane ke liye. Definitely good to be a part of it. In shorts, main bhi bahut din se follow kar raha hu. I think काफ़ी लोग बहुत इंटरेस्ट है जिस तरीके से आप न्यूज़ को शॉर्टन करके और जो आपके काम की न्यूज़ है ऐसे मेरे काम की जो न्यूज़ है मुझे उस तरीके की न्यूज़ दिखती है विच मीन्स एंड आई एम अज्यूमिंग दैट देयर इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एट द बैक ऑफ द इंडिया नाउ दैट वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड ऑफ जनरेटिव एआई एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हेल्पिंग मोस्ट ऑफ द बिजनेस फंक्शंस आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं कि फ्यूचर क्या है स्पेशली कंटेंट और मीडिया के पर्सपेक्टिव से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फ्यूचर क्या है तो हम ना सर जब एआई की बात करते हैं कि आपने पूछा एआई कैसे इम्पैक्ट करेगा न्यूज़ इंडस्ट्री को मीडिया इंडस्ट्री को तो बिफोर आई कम टू न्यूज़ एंड मीडिया इंडस्ट्री मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा एआई सिर्फ इन दो इंडस्ट्रीज को नहीं एआई अक्रॉस द ग्लोब एवरी इंडस्ट्री को सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट करने वाला है इनफैक्ट मेरी अंडरस्टैंडिंग विच अ लॉट ऑफ अगर आप लेंगे तो एक्सपर्ट्स इन द इकोसिस्टम जितने बड़े सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं उनका भी कहना है एआई जितना शायद बिग रेवोल्यूशन हम अपनी लाइफ में दूसरा नहीं देखेंगे ये फंडामेंटली हर चीज़ को चेंज कर देगा सिर्फ आज से 10 साल बाद प्रोबेबली द वे जो आज हम बिजनेसेस देखते हैं जिस तरह के हम मतलब करियर अपॉर्चुनिटीज देखते हैं जिस तरह के तरीके से दुनिया अभी चल रही है सारी शायद बदल जाएंगी इसमें से कुछ भी वैसा नहीं रहेगा जैसे चीज़ें चलती थी हम अपना एजुकेशन सिस्टम देखते हैं जब हम बचपन में हम पढ़ते थे तो हमारे पढ़ाई में एक टीचर हमें वन ऑन वन पढ़ाता था शायद हो सकता है इसमें बहुत बड़ा रिप्लेसमेंट जो एआई आ जाएगा जिसमें आपका आपका एजुकेशन का बहुत बड़ा पार्ट जो होगा एआई हैंडल करने का आपका मेडिकल सिस्टम जो है जो डॉक्टर्स होते हैं उसका हो सकता है प्रिलिमिनरी 80% ऑफ द काम वो एआई कर देगा बहुत सारे छोटे एलिमेंट्स में आपको एक्सपर्ट डॉक्टर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी एआई उससे शायद बेटर करेगा क्योंकि उसके पास आपकी आपकी लाइफ की हिस्ट्री रहेगी आप उसको बहुत सारे डेटा पॉइंट्स रहेगा उस इंडस्ट्री को चेंज कर देगा वो शायद क्या कहेंगे हमें हमारा जैसे अगर लेंगे ऑटोनोमस व्हीकल्स आ रहा है तो हमें क्या कहते हैं ड्राइविंग पूरा पूरा ही ऑटोनोमस हो जाएगा किसी भी फील्ड को उठाते हैं इंजीनियरिंग फील्ड में उठाते हैं या फिर आप क्या कहते हैं आर्किटेक्चर की फील्ड में उठाते हैं आई थिंक सारे इंडस्ट्रीज रीराइट होने वाली है और ये हार्ड ट्रूथ हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए अब ये रीराइट होने के बाद अगला इंडस्ट्री कैसा बनेगा वहाँ पे किस तरह के जॉब्स होंगे वर्ल्ड कैसे फंक्शन करेगा ये टफ टू प्रिडिक्ट है बट ये तो ट्रूथ है कि चीज़ें बदलने वाली है और हम अपने ही लाइफ में इस बदलाव को देखेंगे और इतना बड़ा बदलाव शायद इंटरनेट जितना बड़ा बदलाव था उससे वे बिगर ये बदलाव होगा इंटरनेट अगर लेंगे तो पिछले 50 साल का सबसे बड़ा बदलाव है आज के पे इंटरनेट के बिना कुछ भी इमेजिन नहीं कर सकते आज से 10 साल या 20 साल बाद एआई के बिना कुछ भी इमेजिन नहीं करेंगे तो मेरा वो व्यू रहेगा और एक इसी से मिलता जुलता एक और सवाल था कि आप एक बहुत डाइवर्स ऑडियंस को एड्रेस करते हो आपके यूजर बेस में एज वाइज भी बहुत अलग अलग किस्म के लोग हैं जियोग्राफिकली भी बहुत अलग स्प्लिट है तो जब आप एआई का इस्तेमाल उसके अंदर करते हैं विच यूजेस यूजर डेटा एंड देन गिव्स देम द राइट कंटेंट दैट दे वुड लाइक टू कंज्यूम तो उसमें आप बैलेंस कैसे क्रिएट करते हैं कि वो डाइवर्सिटी को एड्रेस कर रहा है एट द सेम टाइम वो जो ब्रेविटी जिसको कहते हैं कि मतलब जो मुझे चाहिए कॉन्टेंट वही मुझे मिल रहा है लेकिन फिर भी वो डाइवर्स इंफॉर्मेशन मुझे मिल रहा है तो हमारे केस में तो हम बहुत सिंपल इसमें जो स्टाइल यूज़ करते हैं अल्गोरिथम यूज़ करते हैं कि हम आपका टेस्ट लेते हैं कि आपको क्या अच्छा लग रहा है एट द सेम टाइम हम एक दूसरा सिग्नल लेते हैं कि जनरल ऑडियंस किस चीज़ से इंटरेक्ट कर रही है अगर हमें दिखता है कि जनरल ऑडियंस किसी चीज़ से इंटरेक्ट कर रही है और वो बड़ा घटना है तो भी हम वो आपको आपके पास पहुंचाते हैं तो मतलब इन दोनों का एक क्या कहेंगे एक मिक्सचर आपके पास पहुंचता है आपका पर्सनल टेस्ट एंड वर्ल्ड किस डायरेक्शन मूव कर रहा है तो आपकी फीड जो है उन दोनों को मिक्स करके डिजाइन करनी है तो वही समझना था मुझे कि कई बार क्या होता है कि जैसे अगर हम टिकटॉक पे या फिर इंस्टाग्राम पे रील्स किसी किस्म की देख रहे हैं तो फिर उसी
मतलब अगर हम न्यूज इंडस्ट्री की बात करेंगे तो न्यूज इंडस्ट्री थोड़ी उनसे डिफरेंट हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आपको आपका टेस्ट है, आपको दुनिया भी जाननी है, तो आपका खुद का इंटरेस्ट होता है कि मुझे ब्रॉडर चीजें बताओ। तो दिस इज डिफरेंट देन आप जब एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की बात करते हैं, वहां पे सपोज करते हैं अगर आपको कॉमेडी मूवीज पसंद है तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्राइम की दुनिया में क्या चल रहा है, क्राइम मूवीज कैसे बन रही है या फिर लव स्टोरीज कैसे बन रही है। आपको एक जॉनरा पसंद है, आप उसको कंज्यूम करके खुश हो सकते हैं। न्यूज में तो कहीं ना कहीं आपको ब्रेड चाहिए होता है। और एक आखिरी सवाल आपसे ये है हमारा कि आज के ज़माने में प्राइवेसी और यूज़र डेटा को लेकर के काफ़ी इंफोसिस दिया जा रहा है, इनफैक्ट 1 फरवरी से यूज़र डेटा को लेकर के और भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स आ गए हैं प्राइवेसी लॉज को लेकर के, यूरोप में ऑलरेडी काफ़ी टाइट कंट्रोल है। तो आपकी कंपनी हाउ डज इट मेंटेन द बैलेंस बिटवीन यूज़र डेटा एंड प्राइवेसी, हाउ डू यू नेविगेट थ्रू दैट? तो जब ये प्राइवेसी के बारे में बात करते हैं ना, तो अगर आप हमारा आप लेंगे इन शॉर्ट्स को, तो उसको डाउनलोड करने का हम तो आपसे आपका एक भी डेटा नहीं मांगते हैं। बहुत ही बेसिक डेटा होता है हमारे पास, हम आपके ना स्टोरेज का परमिशन लेते हैं ना किसी और चीज़ का परमिशन लेते हैं, बहुत ही बेसिक आपके रीडिंग पैटर्न्स पे। ना मुझे तो आपके घर का एड्रेस पता है, ना ही आपके दोस्तों का पता है, ना ही आपका बैंक अकाउंट पता है, ना ही आपका नाम पता है, मुझे तो टेक्निकली आप कह रहे हो कुछ नहीं पता, बारिंग द फैक्ट कि एक कोई यूज़र है जिसको ये चार चीज़ें पढ़ना पसंद है, वो इंसान मेल है कि फीमेल है, वो यंग है कि ओल्ड है, वो उसका बैंक अकाउंट डिटेल्स क्या है, उसका नाम क्या है, मुझे तो कुछ नहीं पता है। उसके फोन में और क्या ऐप्स हैं, वो क्या डेटा कंज्यूम करता है, हमें कुछ नहीं पता। आई थिंक ये प्राइवेसी का कंसर्न्स मोर सोशल ऐप्स के लिए, जहाँ पे उसको आपका एक एक स्टेप पता होता है कि आप खाने कहाँ गए, आपके दोस्त कौन है, आप रहते कहाँ पे हो, आपका नाम क्या है, आपका एज क्या है, आपका सेक्स क्या है, ये सब तो हमारा पार्ट ही नहीं है। तो हमारे केस को ये डेटा हम बहुत ही मिनिमम लेते हैं, बेसिक रीडिंग हमें तो पता भी नहीं कि आप हो कौन, सिंपल इंटरेस्ट को जानते हैं, तो हमें नहीं पता हु इज दिस गाय, वो बंदा करता क्या रियल लाइफ में, हमें कुछ नहीं पता, तो हम उस रियल के बहुत दूर हैं मतलब। और एक जाते जाते एक आखिरी सवाल आपसे पूछेंगे, सिंस यू आर आल्सो पार्ट ऑफ रियलिटी शो व्हिच प्रमोट्स बिजनेसेस एंड वी आर एट अ ग्लोबल बिजनेस समिट, क्या मैसेज रहेगा आपका टू द यंग बडिंग एंटरप्रेन्योर्स जो अपनी शुरुआत करना चाहते हैं, उनको क्या आप सलाह देंगे? तो इस पे सलाह पे ना मैं एक चीज़ को रखता हूँ हमेशा अपने लाइफ में, वन ऑफ द फ्यू थिंग्स जो हमेशा फॉलो मैं करने की कोशिश करता हूँ, तो इसमें 3-4 तरीके से थॉट्स आते हैं, बट समरी जो आती है ना कि ड्रीम बिग। तो स्टीव जॉब्स का एक कहना था, स्टे हंग्री स्टे फूलिश, उसमें वो कहते हैं कि जो ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप हंग्री रहिए, हमेशा कुछ ज़्यादा पाने की कोशिश कीजिए। फूलिश का मतलब है कि आप, आपको दुनिया बोलेगी भाई जो तुम कर रहे हो ये शायद गलत है, आपको नहीं सुनना है, आपको हिम्मत करना है। तो उसमें मेरा मानना होता है हमेशा ऑप्टिमिस्ट रहिए कि आप दुनिया बदलोगे, ये कॉन्फिडेंस के साथ घूमो, इधर तो आप दुनिया बदल दोगे, अगर नहीं बदलोगे आप सीख जाओगे, ठीक है। तो मेरा वो मानना होता है हमेशा इस कॉन्फिडेंस के साथ घूमो कि मैं तो दुनिया बदलूंगा, तो चांसेस आर कि आप बदलोगे। तो उस पर एक कोट जो मैं हमेशा कहता हूँ कि ऑप्टिमिस्ट, तो इसमें एक चीज है कि एक कोट है, पैसिमिस्ट्स आर मोस्टली राइट बट ऑप्टिमिस्ट्स आर दोज हु चेंज द वर्ल्ड। तो मेरा मानना है बी ऑप्टिमिस्टिक इन लाइफ। चलिए थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द लक। थैंक यू सर, गुड मीटिंग यू, गुड मीटिंग यू, थैंक यू।